सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इसी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स 24,000 के नीचे आ गया है। इस वक्त जो निफ्टी इंडेक्स कारोबार कर रहा है, 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। उसी तरह से BSE सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट है, निफ्टी बैंक में भी बड़ी गिरावट है। शेयर्स की बात करते हैं तो हैवी वेट्स जो रिलायंस है, HDFC बैंक है और इन्फोसिस है, ICICI बैंक है, इनमें एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस का शेयर 1287 में है बोनस के बाद, और आज के दिन 51 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है रिलायंस में। और निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है दोस्तों, तो बोनस शेयर के बाद रिलायंस में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी इंडेक्स जो आज नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, 428 पॉइंट नीचे की तरफ है, और BSE सेंसेक्स में 1262 पॉइंट की गिरावट है। और निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो 578 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी IT में भी गिरावट है। भारतीय बाजारों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, US में, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, तो इसके वजह से भारतीय बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय बाजार अक्टूबर के महीने से एक तरह से गिर रहे हैं, जो पिछले 2-3 साल से या फिर 4-5 साल से एक तेज़ी बनी थी, जो पिछले कुछ सालों में एक तेज़ी बनी थी, तो अब की बार महीने भर से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में भी गिरावट है। तो US का जो इलेक्शन हो रहा है, इस हफ्ते तक क्लियर भी हो जाएगा और उतार चढ़ाव रहने की संभावना है दोस्तों। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो 26,200 से गिर कर ये 23,800 के आसपास आ गया है। ज़्यादातर शेयरों में 20-30% 40% की बड़ी गिरावट है। जो निवेशकों ने ऊपरी लेवल पर खरीदारी कर ली है, तो उनको एक तरह से भारी नुकसान देखने को मिल रहा होगा पोर्टफोलियो में, और जिन्होंने पिछले 3-4 साल से खरीदारी की होगी, उनका एक तरह से प्रॉफिट कम हो गया, और काफ़ी कम हो गया, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयरों में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट में जो निवेशक खरीदारी भी कर रहे होंगे, तो उनके शेयर्स नीचे की तरफ देखने को मिल रहे होंगे। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो 23,852 तक आ गया है, और ये जो निफ्टी इंडेक्स का प्राइस था, निफ्टी इंडेक्स था, ये अगस्त से पहले का था दोस्तों। अगस्त के वक्त ये 24,000 के आसपास था, और जून और जुलाई के मंथ में निफ्टी इंडेक्स 24,000 के नीचे था दोस्तों। जून में 23,721 के आसपास था, जून 2024 को 23,721 23,800 के आसपास था। एक तेज़ी बनी हुई थी उस वक्त, बट अब की बार गिरावट देखने को मिल रही है। जो निवेशक इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों। जैसे कि कोई भी चीज़ गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, बढ़ने में उसको समय लगता है दोस्तों। तो उसी तरह से बाजार में आगे आने वाले दिनों में रह सकता है, और निफ्टी इंडेक्स 23,874 23,870 के आसपास आ गया है। आगे भी गिरावट रहने की संभावना रह सकती है। जब तक निफ्टी इंडेक्स 24,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक एक तरह से तेज़ी देखने को कम मिलेगी दोस्तों। और जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ भी जाएगा, तो सेलिंग भी देखने को मिलेगी। नवंबर के मंथ में जो गिरावट रहेगी, तो कुछ समय के बाद तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन बढ़ने में समय लग सकता है निफ्टी इंडेक्स को। नेक्स्ट दिसंबर से मार्च तक निफ्टी में बेयरिश ट्रेंड देखने की संभावना रह सकती है दोस्तों। तो जो निवेशक इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं, तो उनको समय देना पड़ेगा शेयरों को, तभी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे जा सकते हैं। और जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे थे इस तिमाही में, Q2 में, तो जैसे ही बाजार में सुधार होगा, तो उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल सकती है। निवेशकों को हमारे अनुसार बड़े जो हैवी वेट्स हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। और जब बाजार पलटेगा, तेज़ी बनेगी, तो सबसे पहले जो हैवी वेट्स हैं, जैसे कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, लार्सन एंड टूब्रो है, और PSUs जो कंपनियाँ हैं, पावर ग्रिड है, NTPC है, RSE लिमिटेड है, PFC है, HL है, डिफेंस सेक्टर का, तो इन शेयरों में एक तरह से बड़ी तेज़ी भी देखने में खबर बनी रहेगी, तो उनमें एक तरह से तेज़ी रहेगी। बट ये कि जिस प्रकार से अभी गिरावट देखने को मिल रही है, और US का जो इलेक्शन है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो एक तेज़ी या फिर गिरावट रुकती हुई नज़र भी आएगी। तो निफ्टी इंडेक्स में थोड़ी बहुत और गिरावट बढ़ सकती है,
अभी जैसे कि देखिए निफ्टी इंडेक्स अपने हाई से 9 से 10% एक तरह से नीचे की तरफ आ गया है। अच्छे शेयरों के ऊपर पार्ट में खरीदारी करना चाहिए और समय देना चाहिए दोस्तों। अब जो निवेशकों ने ऊपर के लेवल पे स्टॉक्स खरीद लिए हैं होल्ड करें, थोड़ा बहुत समय दें। जैसे ही बाजार सुधरेगा तो कंपनियों के नतीजे अच्छे होंगे तो उन शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जो अभी दौर है बियर्स का है और कुछ समय तक बियर्स का ये टाइम चल सकता है। अक्टूबर के मंथ से एक तरह से ये देखने को मिल रहा है तो नवंबर के मंथ में भी बियर्स का रह सकता है। बीच बीच में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जब तेज़ी होती है जिनके पास कम समय है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें कि हमको क्या करना है स्टॉक मार्केट में। और जिनके पास समय है तो कंपनी के नतीजे जैसे कि आ रहे हैं, फिर तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, अच्छे नतीजे होंगे तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ भी जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन, जो निफ्टी में बड़ी गिरावट है, तो यूएस में जो इलेक्शन का अंतिम दौर है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जो इलेक्शन चल रहा है, प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन चल रहा है, तो वो अब अंतिम दौर पे है। तो निवेशकों को अच्छे शेयरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पार्ट में देखना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। जिनके पास समय कम है तो अपने रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्ट करें इस वक्त। और बियर्स एक तरह से भारी देखने को मिल रहे हैं पिछले अक्टूबर से।